हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही आसान सा पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स। बनने के बाद बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल प्लस 1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 11 फंदे लिए हुए हैं। दो दो के हिसाब से आप फंदे ले लीजिएगा और लास्ट में एक फंदा मैं एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 11 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है और उल्टी तरफ से शुरू होगा। यहाँ पे मैंने राइट साइड में पूरी रो को बुन के कम्प्लीट कर लिया है। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप सीधी तरफ से फंदे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न हमारा उल्टी तरफ से शुरू होगा। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। 4 लाइन का हमारा डिजाइन है। चारों लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब धागा हमारा पीछे ही रहेगा। अब यहाँ पे दो फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही दो फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है। पहले फंदे को नीट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड है, फिर भी हम सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है। सबसे पहले एच के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे दो फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है। फंदे के नीचे ये धागा है, इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर इस फंदे को लूज कर लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही दो फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा, दो फंदे में हम डिजाइन बनाएंगे। फंदे के नीचे हमारा धागा दिखाई दे रहा है, इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, इस फंदे को पहले हम लूज कर लेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ पे दो फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। ये पहला फंदा है, इसके नीचे ये धागा है, इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन देंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, पहले वाले फंदे के नीचे धागा दिखाई दे रहा है, इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे धागा दिखाई दे रहा है, इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, इस वाले फंदे को ऐसे लूज कर लेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की चौथी सिलाई बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही डिजाइन भी बनके हमारा ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे डिजाइन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ताकि डिजाइन आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। अब हम बैक साइड में आ गए हैं। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब धागा हमारा पीछे ही रहेगा। अब यहाँ पे दो फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पर डिजाइन के फर्स्ट रो बन के हमारी कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है।
पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में, ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। पहले फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और आगे के सभी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। पूरी रो को सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में, ये हमारे डिजाइन की फोर्थ रो है। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे दो फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। ये हमारा पहला फंदा है, इस फंदे के नीचे धागे में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे गिरा देंगे, इस फंदे को ऐसे लूज कर लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही दो फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे जो धागा है इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे गिरा देंगे, इस फंदे को ऐसे लूज कर लेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे जो धागा है इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर इस फंदे को ऐसे लूज कर लेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फंदे के नीचे धागे में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, इस फंदे को हम लूज कर लेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फंदे के नीचे जो धागा है इसमें हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे गिरा देंगे, इस फंदे को लूज कर लेंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर डिजाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कम्प्लीट हो गई है। ये पैटर्न हमारा चार लाइन का है, लेकिन यहाँ पर हमने डिजाइन को दो बार रिपीट किया है। आगे आपने इन्हीं चार लाइनों को बार बार दोहराना है। जब आप इन चार लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बनके कुछ इस तरह दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सी बुनाई है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।